दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम अक्सर अपने व्लॉग्स के जरिए चर्चाओं में रहते हैं। वेल, शोएब इब्राहिम इन दोनों झलक दिखलाजा में भी नजर आ रही हैं। वहीं दीपिका की बात करें तो दीपिका भी अपनी अपीयरेंस इस शो में दे ही देती हैं। दीपिका और शोएब अपने व्लॉग्स के जरिए अपनी आम जिंदगी के बारे में लोगों को हमेशा कोई ना कोई अपडेट शेयर करती हैं। इस बीच में इनकी फैमिली को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इन दोनों शोएब और दीपिका अपने पेरेंटहुड को जहां एंजॉय कर रही हैं, तो वहीं इनकी पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चाओं में है। इसी बीच में परिवार को लेकर एक बड़ा खुलासा, ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि शोएब के मामा के बेटे ने अपने व्लॉग के जरिए किया है। जी हाँ, शोएब के मामा के बेटे जिनका नाम आमिर है, अक्सर वो इब्राहिम फैमिली के बारे में खुलासे करते रहते हैं। आमिर के मुताबिक बेशक दीपिका और शोएब मुंबई में रहते हैं, लेकिन मोदाहा के लोगों पर भी उनका कंट्रोल रहता है। हाल में ही शोएब के मामा के बेटी की शादी थी, इसमें उनके भाई ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल इस शादी में इब्राहिम फैमिली नहीं आई थी। इब्राहिम फैमिली का कोई भी मेंबर इस शादी में शिरकत करने के लिए नहीं गया। ऐसे में आमिर ने कई गंभीर आरोप लगाए। आमिर का कहना है क्योंकि वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। इतना ही नहीं, दीपिका और शोएब की नानी को भी इस शादी में शिरकत नहीं करने दी गई, जबकि वो लड़की की सगी दादी थी। लेकिन दीपिका और शोएब की धमकी की वजह से वो अपनी पोती की शादी में ही नहीं आ पाई। इस तरीके का खुलासा शोएब मलिक के मामा के बेटे ने किया है। यानी कि साफ तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि मोदाहा में जब शोएब और दीपिका जाते हैं, कई बार लोगों से मुलाकात करते हैं, दरअसल वो असल में एक साथ रहने का केवल दावा भर है, बल्कि असल सच्चाई तो उनके मामा के बेटे ने साफ की। जहां पर मामा के बेटे का कहना था कि परिवार खुद को सेलिब्रिटी समझता है और दूसरों के साथ उनके बर्ताव सही नहीं है, यानी कि दीपिका और शोएब का परिवार भी एक दूसरे के साथ दिखाने की कोशिश करता है, हालांकि असल मायनों में परिवार के बीच में दरार आ चुकी है।